आज मैं आप सभी को यहाँ पर एक न्यू लूट बताने वाला हूँ, जिसमें आप सभी यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट प्लस भाई इंस्टेंट सब कुछ इंस्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अभी यहाँ पर आपको फुल वॉच करना है विदाउट स्किप। और भाई अभी वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा उसको, ओके। बाकी इन फ्यूचर में आपको अपडेट मिलती रहेगी और बाकी चैनल पर भी जान हो जाएगा। मैं यहाँ पर सभी लोग भाई अर्निंग कर रहे हैं डेली। और अगर अभी तक आपने फेमिनिस्ट और यहाँ पर कॉइन गब्बर का ऑफर नहीं ट्राई किया तो जाकर ट्राई करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा भाई कॉइन गब्बर का भी। कॉइन गब्बर कल एंड हो जाने वाला है तो सब लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी हम बढ़ते हैं लूट की तरफ कि लूट हमारा निकल के आ रहा है भाई। अभी मैं दिखा तरफ से तो ये सुन के भाग मत जाना वीडियो छोड़ के भाई, बहुत ही सीक्रेट बातें इसकी बताने वाला हूँ इवेंट की। तो सभी लोग यहाँ पर वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अभी हम देखिए सबसे पहले मैं आपको अपना प्रूफ दिखा देता हूँ, अपना अकाउंट ओपन करता हूँ मेन वाला, अभी दिखाता हूँ। हाँ तो अभी मैं अपने मेन अकाउंट में एंटर कर गया हूँ। एंटर करने के बाद अभी मैं अपने वॉलेट पर भी आ चुका हूँ। अभी यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, 500 जिक टोकन जो कि आपको साइन अप पर मिलने वाला है। साइन अप पर 500 जिक टोकन मिलेगा। और मैं यहाँ पर अपना विड्रॉ प्रूफ सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। मैंने बोला था आपको अपना विड्रॉ प्रूफ भी दिखाऊंगा, मैं आपको विड्रॉल प्रूफ भी दिखाता हूँ। अभी मैं चलता हूँ स्वैप इनटू यासडंडी रिक्वेस्ट हिस्ट्री में, चलता हूँ रिक्वेस्ट हिस्ट्री। देख लो यहाँ पर आज ही मैंने लगाया, देखिए यहाँ पर 4,750 टोकन का जो कि अभी अप्रूव नहीं हुआ। जैसे अप्रूव हो जाता है मैं आपको टेलीग्राम पर अपने टेलीग्राम पर अपना ओन पेमेंट प्रूफ मैं आपको शेयर कर दूंगा भाई। तो कोई भी लूट को मिस मत करना। और एल बैंक पे ऑलरेडी टोकन लिस्टेड है, अभी सब कुछ बताऊंगा विड्रॉल कैसे करना है। तो अभी देखिए आपको अर्निंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर अभी मैंने इसका एक और इवेंट शेयर कर रखा था, 50 जिक टोकन मिल रहा था। और अभी भाई इनका जो 50 जिक टोकन है वो 50 जो जिक टोकन मिल रहा था वो हटा के यहाँ पर इनका कर दिया गया भाई 500। कितना टोकन कर दिया गया, 500 कर दिया गया। तो सभी लोग मिस मत करना। और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू बात करें तो यहाँ पर साइन अप पर आपको $0.45 देखने को मिल जाएगा। अभी आपको ज़्यादा अर्निंग करने के लिए यहाँ पर रिफर बाईपास करना। देखिए आज के डेट पर ही मैंने देख लिया कि यहाँ पर ये डेट भी शो कर रहा है। आज के डेट पर मैंने यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा रेफरल बाईपास किया। ये मेरा खुद का रेफरल बाईपास है भाई, मैंने खुद से किया रेफरल बाईपास। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए सब रेफरल बाईपास है, बाकी नेट वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा लोडिंग नहीं ले रहा है। ये देखिए इस टाइप से तो यहाँ पर मैंने कितना ज़्यादा रेफरल बाईपास वगैरह कर रखा है। तो कोई भी मिस ना कीजिएगा। अभी सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। आपको टेलीग्राम पर रेफरल कोड मिल जाएगा, रेफरल कोड एंटर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। क्रिएट करने के बाद आपको आपके सामने होम का बटन दिखेगा। सबसे पहले उसके बाद जैसे ही वॉलेट पर आ जाओगे, यहाँ पर ये वॉलेट है आपका, थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा वॉलेट पर। यहाँ पर जैसे वॉलेट पर आ जाओगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा भाई वॉलेट, आपको 500 जिक टोकन मिल जाएगा। और यहाँ पर जो साइन अप का फंडा है वो मेन फंडा नहीं है, आपको यहाँ पर रेफर बाईपास का मेन फंडा है जो कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होने वाली है, जिसमें आप लोग यहाँ पर ह्यूज प्रॉफिट कर पाओगे। और मैं बता रहा हूँ आप लोग यहाँ पर गारंटेड, अगर हार्ड वर्क करते भाई तो $20 से $25 कहीं नहीं गया, कहीं गया ही नहीं $20 से $25। मिनिमम आपको प्रॉफिट यहाँ पर $20 से $25 होगा। तो वीडियो को पहली बार तो फुल वॉच कीजिए विदाउट इसके। अभी आपको करना क्या, सबसे पहले यहाँ पर अभी रजिस्टर कर लिए। अभी उसके बाद आपको बताता हूँ रेफरल बाईपास कैसे करना है भाई। रेफरल बाईपास मस्ट है। तो अभी आपको करना क्या, सबसे पहले अपना रेफरल कोड जो है वो निकाल लेना यहाँ पर क्लिक करके। ये देखिए वाला आपका आइकन मिल जाएगा, ये अपना रेफरल कोड है, सिंपल कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मोड ABK का लिंक मिल जाएगा भाई, मोड ABK का फाइल मिल जाएगा, मतलब क्लोनर मोड ABK। ये देखिए ये हमारा क्लोनर मोड ABK है, इसका आपको फाइल दे दूंगा मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जैसे यहाँ पर ओपन करेगा, ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा, इंटरफेस इंटीरियर आएगा इनका। तो अभी आपको करना क्या, सिंपल आपको यहाँ पर जिक टैग सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ पर तो कुछ सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है, प्राइवेसी ऑप्शन पर सबसे पहले यहाँ पर कर देना क्लिक, यहाँ पर प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर चेंज अनराइट आईडी करके रैंडम कर दीजिएगा, IMEI रैंडम कर दीजिएगा। और उसके बाद बैक जाइएगा, नीचे आ जाना क्लोनिंग ऑप्शन। ये देखिए सबसे नीचे में आपको क्लोनिंग ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपल आप क्लोनिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने वाला आपको नेटिव लाइब्रेरी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। और यहाँ पर भाई इग्नोर क्रैशेस ये मिल जाएगा। अभी आपको इसको क्या करना है, ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, ये देखिए इस टाइप से यहाँ पर ऑन कर लेना है, ओके कर देना है। ओके अभी यहाँ पर देखिए ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अभी बाइक चल जाना, बाइक जाने के बाद यहाँ पर जो अपना मतलब अभी देखिए यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जिक टाक का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में, मतलब जो क्लोन ABK है आपका। डाउनलोड होने के बाद आपने रेफरल कोड ऑलरेडी निकाल लिया, अब आपको करना क्या है, यहाँ से अपना जो मोड ABK है जो ऐप क्लोन है उसको भी हटा देना है। और उसके बाद जो आपका मेन मतलब जिक टाक एप्लीकेशन है जो आप मेन अकाउंट है उसको भी यहाँ पर बैकग्राउंड रिसेंट सबसे पहले क्लियर कर देना। उसके बाद भाई यहाँ पर 2 से 3 बार एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर लेना, क्या है वो ओपन कर लेना। अभी मैं इसी में मेन वाले में ही आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रोसेस। अभी देखिए आपको करना क्या है, तो अभी यहाँ पर आपको रेफरल बाईपास करने के लिए पढ़ने वाली है जीमेल की जरूरत। जीमेल क्रेडिट आपको होगी और वो भी गूगल जीमेल की भाई, यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन है। तो आपको जीमेल आपके पास रहना चाहिए, आप लोग बना लेना, जितना भी यहाँ पर बनाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो कंटिन्यू विद गूगल पर सिंपल क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखिए अभी जैसे क्लिक कीजिएगा इस टाइप का यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा। अभी सबसे पहले नीचे वाला मैं अपना जो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ,
अभी जैसे ही अपना एक जीमेल आईडी यहाँ पर मतलब सर्च कीजिएगा, उसको देखा उसके बाद आपको इस टाइप का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम कुछ भी देखना है भाई, सिंपल अभी दिखा देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एडिटिव एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा, उसके बाद अपना यहाँ पर रेफरल कोड देना है, रेफरल कोड यहाँ पर दे देना। अभी मैंने अपना रेफरल कोड दे दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है फिर लेट्स एंजॉय पर जैसे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा, ओके आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अपना वॉलेट पर वॉलेट वाले सेक्शन पर आ जाना। जैसे ही वॉलेट वाले सेक्शन पर आ जाते हो, रेफरल अकाउंट में भी बाईपास वाले अकाउंट में भी जैसे आप वॉलेट पर आएंगे 500 डिजिट टोकन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपको करना क्या है, देखिए आपको 250 टोकन यहाँ पर रेफरल का मिलने वाला है। अभी मैं लाइव इसको दिखाऊंगा मेरे अकाउंट में, मैंने एक अकाउंट अनलिमिटेड बनाया तो इसका जो 250 टोकन है वो ऐड हो गया होगा। अभी आपको पर अकाउंट 750 टोकन का प्रॉफिट होने वाला है, 750 टोकन का। ओके कैसे होने वाला है वो बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर आपको 250 टोकन यहाँ पर रेफरल से मिल जाएगा। और ये भाई जो ये 500 जिग टोकन है इसको भी आप अपने मेन अकाउंट पर ले सकते हो, कैसे वो भी बताता हूँ। देखिए आप आपको यहाँ पर ये वाला सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला सेकंड नंबर पर सिंपल क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर यूजर आई डी पूछ जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ कि मेरा RPM टेक जो यूजर आई डी है। अभी देखिए यहाँ पर सेंड वाला बटन मिल जाएगा, सिंपल आप सर्च करके सेंड वाले बटन पर क्लिक करना, मैक्स कर देना, मैक्स करने बाद नेक्स्ट करना, सेंड पर क्लिक करना, कंफर्म कर देना। ये देखिए यहाँ पर ओके ओके का ऑप्शन आ चुका है। टोटल यहाँ पर ये देखिए सेंड भी हो चुका है भाई, 1.1 मतलब 25 जी की बचा है, पूरा का पूरा यहाँ पर सेंड हो चुका है। मैं आपको पूरा वॉलेट भी अपना चेक कराऊंगा। ओके और अभी बात करें यहाँ पर मतलब आपकी जो मतलब यूजर आईडी होगी वो कहाँ मिलेगी, आपको यहाँ पर मांगे तो भाई जो नेम आ रहा है, जो मैंने आपने नेम सेलेक्ट कर रखा है वही आपकी यूजर आईडी रहेगी। ओके तो जो आपका मैंने अकाउंट रखा उसमें अच्छा सा नाम सेलेक्ट करके रखना, जैसे मैं अपना RPM टैग रखा हूँ। ओके तो भाई आपकी जो यूजर आईडी रहेगी वही आप यहाँ पर जो भी अनलिमिटेड अकाउंट बनाओगे सर्च करके आप उस पर टोकन सेंड कर सकते हो। अभी मैं अपना मेन अकाउंट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हाँ तो भाई अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने आपको 500 टोकन दिखाया था यहाँ पर भी था, और यहाँ पर भी 1225 जिग टोकन हो चुका है, 1225 जिग टोकन हो चुका है। और यहाँ पर देख लीजिए क्लियरली यहाँ पर लिखा भी गया भाई, यहाँ पर ये देखिए ट्रांसफर रिसीव्ड, और उसके बाद यहाँ पर रेफरल का ये टोकन अभी ऐड हुआ है, जो कि अभी यहाँ पर 11 दिसंबर है, रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 11 दिसंबर है, तो 11 दिसंबर का यहाँ पर डेट आ गया है। तो 250 टोकन रेफरल का मिल गया, और उसके बाद जो मैंने ट्रांसफर किया था 500 जिग टोकन उसका कुछ यहाँ पर ट्रांसफर मतलब गैस फी वगैरह कटा है भाई, 25 गैस फी अप्रॉक्स, और यहाँ पर 475 टोकन यहाँ पर रिसीव हो गया। अभी आपको इसी टाइप से यहाँ पर अर्निंग करनी है, मतलब आपको अनलिमिटेड अकाउंट बनाना है और सारे टोकन यहाँ पर आपको एक ही अपने वॉलेट में ले लेना, एक ही वॉलेट में ले लोगे। और यहाँ पर जो वैल्यू ये शो कर रही है ये रियल वैल्यू है, हाँ यहाँ पर फेक वैल्यू नहीं है, ये रियल वैल्यू है। अभी यहाँ पर ये $1 मेरे वॉलेट पर बन चुका है, $1। अभी यहाँ पर बात करते हैं विड्रॉ करना कैसे करना है। अभी मैं विड्रॉ कर का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको फुल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पेमेंट प्रूफ भी यहाँ पर पहले का है भाई, यहाँ पर ये अक्टूबर का पेमेंट प्रूफ है, बट यहाँ पर मैं वेरीफाई करा रहा हूँ, मतलब कि पेमेंट वगैरह पूरा यहाँ पर वेरीफाइड है भाई, और पेमेंट वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए एल बैंक में यहाँ पर 3025 जिग टोकन यहाँ पर रिसीव हो गया। ओके अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको आप लोग टोकन तो अर्निंग कर लोगे यहाँ पर रेफर बाईपास करके भाई, और यहाँ पर मतलब सेंड वगैरह करके, तो अब यहाँ पर आपको विड्रॉल कैसे करना है। सिंपल आपका जैसे यहाँ पर मतलब 5 से 6 हज़ार टोकन हो जाता है, 5 से 6 हज़ार नहीं मतलब 8 से 10 हज़ार टोकन यहाँ पर कर लेना भाई, तब यहाँ पर विड्रॉल करना। देखिए आपको यहाँ पर 7 × 20 का यहाँ पर मतलब ऑप्शन मिल जाएगा करने वाला, या फिर जैसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेक एक रिक्वेस्ट, ये देखिए यहाँ पर मेक रिक्वेस्ट आ चुका है। जैसे यहाँ पर मेक रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे आपको ये सारे जितने भी ऑप्शन आपको मिलेंगे सबको इनेबल कर देना है। जैसे आप चेक मार्क करके इनेबल करते हैं आई हैव रीड, उसके बाद यहाँ पर सिंपल क्लिक कीजिएगा। और अभी यहाँ पर मेरा नहीं है, मतलब यहाँ पर 1225 जिग टोकन मतलब यहाँ पर ओनली 1225 है, इसीलिए नहीं दे रहा है। हाँ तो गाइस अभी मैंने जो विड्रॉल अभी सबमिट किया था भाई कुछ टाइम पहले, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लिया था, मैंने आपको सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए ही। अभी देखिए यहाँ पर आप जब मतलब यहाँ पर ये देखिए आप लोग आई हैव वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने एड्रेस मांगा जाएगा, एड्रेस मैं बताऊंगा कहाँ से लेना है। एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है ERC20 का। ओके जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर मेरा यहाँ पर 7750 टोकन था, जो कि यहाँ पर 3000 गैस फी भाई जाएगी, 3000 गैस फी जाएगी, नेटवर्क फी है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कट करके यहाँ पर ये वाला अमाउंट आपका दिखा देंगे, जो एग्जैक्ट अमाउंट रहेगा। ओके तो यहाँ पर जैसे दिखा देंगे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इस टाइप से आ जाएगा स्वैप एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, वहीं यहाँ पर कंप्लीटेड लिख के जाएगा, और 24 से 48 आवर्स के अंदर आपका जो टोकन है वो आपके वॉलेट पर रिसीव हो जाएगा। अभी मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर स्वैप हिस्ट्री में अपना दिखाया हूँ रिक्वेस्ट थी, यहाँ पर ये देखिए मैंने ऑलरेडी दिखाया था, ये मैंने अभी लगाया है, तो इसी का स्क्रीनशॉट था। तो अब यहाँ पर इनका थोड़ा सा भाई टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने विड्रॉल पर भाई थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखा है। पहला टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए कि द स्वैप रेशियो इज फिक्स्ड एट 10.1, मतलब यहाँ पर भाई कहने का मतलब इनका यही है कि अगर जैसे आप लोग यहाँ पर 5000 टोकन की अर्निंग करते हो 5000 टोकन की, तो आपका यहाँ पर विड्रॉल कितना होगा, 500 टोकन का विड्रॉल यहाँ पर हो जाएगा भाई। टोटल 5000 का नहीं होने वाला है, 500 टोकन का होने वाला है, बाकी आप लोग धीरे धीरे करके अनलॉक हो जाएगा, तो आप लोग बाद में विड्रॉल कर पाओगे। बट अभी इनका जो 10.1 का रेशियो चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर 5000 टोकन रहेगा तो आप लोग 500 टोकन विड्रॉल कर सकते हो। ओके तो ऐसे ही अगर आपका 10000 टोकन रहता है तो आप लोग 1000 टोकन विड्रॉल कर सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ 10000 15000 टोकन जब बना लेना तब यहाँ पर स्वैप वगैरह के लिए अप्लाई करना आपका बेस्ट रहेगा। ओके
अभी यहाँ पर एक और यहाँ पर मतलब निकल कर आई यहाँ पर इनकम टैक्स कंडीशन जो यहाँ पर रखा गया है, ये देखिए यहाँ पर इनका जो 3000, तो यहाँ पर जब आप लोग यहाँ पर स्वैप करने जाइएगा, स्वैप करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर 3000 जो नेटवर्क फी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कट करके आपको एग्जैक्ट अमाउंट स्वैप वाला दिखा दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दिया है। तो अब यहाँ पर आप लोग जब 10 से 12000 टोकन बना लीजिएगा तो आप लोग विड्रॉल के लिए अप्लाई करिएगा भाई, 100% विड्रॉल आपका रिसीव हो जाएगा। और जैसे मेरा रिसीव होता है मैं आपको टेलीग्राम पर ही प्रूफ कर दूँगा, ओके। और अब यहाँ पर बताते हैं एड्रेस आपको कहाँ से लेना है। तो गाइस अभी आपको एड्रेस कहाँ से लेना है, अभी एड्रेस आपको मिलेगा भाई एल बैंक एक्सचेंज में, ये एल बैंक एक्सचेंज और यहाँ पर हॉटबिट पे, ये देखिए ये जो तीनों एक्सचेंजेस आपको मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला एल बैंक, हॉटबिट और डिजीफिनिक्स तीनों में लिस्टेड है, बट मैं आपको एल बैंक रिकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ पर ईजी है और टोकन भी यहाँ पर कम है डिपोजिट करने के लिए, ओके। हाँ तो भाई साहब यहाँ पर आपको जिग टोकन डिपोजिट करने के लिए एल बैंक पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है एल बैंक एक्सचेंज में, टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मतलब वॉलेट पर क्लिक कर देना। अब मैं आप इसको वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ऐप में, तो अभी डिपोजिट पर वॉलेट पर क्लिक करना, डिपोजिट पर क्लिक करना, जैसे डिपोजिट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च सिलेक्ट टोकन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल क्लिक कीजिएगा, उसको आपको यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च करना है जिग ओनली जिग, ओके। अभी देखिए अभी यहाँ पर मैंने भाई यहाँ पर ये देखिए जिग मैंने टोकन डाला और यहाँ पर जिग टाक टोकन नीचे आ चुका है, जैसे यहाँ पर जिग टाक टोकन आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, उसको यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेलेक्ट चूज योर एड्रेस, चूज योर एड्रेस पर क्लिक करिएगा, उसके यहाँ पर ERC-20 सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके यहाँ पर आपको देख लीजिए यहाँ पर डिपोजिट एड्रेस आ जाएगा, सिंपल आपको इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद वहाँ पर दीजिएगा और यही एड्रेस दे देंगे आपको यहाँ पर आपका रिसीव हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूँ, 10 से 12000 टोकन होगा तभी स्वैप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम डिपोजिट जो है 1000 जिग टोकन का है भाई, 1000 जिग से अगर नीचे आता है तो यहाँ पर एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा और पेमेंट आपका बीच में ही रुक जाएगा या कहीं भी जा सकता है, ओके। यहाँ पर 1000 जिग से मिनिमम डिपोजिट मत, मतलब यहाँ पर कम डिपोजिट मत करिएगा, 10000 से 12000 टोकन हो ताकि आप लोग वहाँ पर स्वैप लगाना, स्वैप लगाने के बाद यहाँ पर आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा और आप लोग इंस्टेंट यहाँ पर ट्रेड पर सेल करके विड्रॉ यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हो। पूरा लाइव वीडियो आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड भाई वीडियो को मस्ट लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, एंड टेक केयर।